नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है कर्मा आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर। आप हमारे चैनल पर किडनी से जुड़ी हर तरह की प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी पा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे आप हमारे हर लेटेस्ट अपडेट्स की नोटिफिकेशन पा सकेंगे। आज हम बात करेंगे कि आम किडनी पेशेंट के लिए अच्छा होता है या नहीं। आम खाने में जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही एक नॉर्मल पर्सन के लिए अच्छा होता है। इसके सेवन से लोगों में कई तरह की बीमारी ठीक की जा सकती है। आम में एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो टॉक्सिन्स को खत्म करने का काम करते हैं, लेकिन वहीं अगर आम का सेवन एक किडनी पेशेंट करता है तो ये उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। आम में हाई पोटेशियम होता है जो आपकी किडनी प्रॉब्लम को इनक्रीज कर देता है। अब आपको एक नॉर्मल पर्सन के लिए आम के फायदों के बारे में बताते हैं। फर्स्ट है, डाइजेशन प्रॉब्लम में आम का सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है। ये आपके डाइजेशन प्रोसेस को ठीक करता है और एसिडिटी की प्रॉब्लम में राहत दिलाता है। आम में प्रेजेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोटीन को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। सेकेंड, आम हमें स्किन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम से भी बचाता है। साथ ही इसमें प्रेजेंट एंटीऑक्सीडेंट हमारे स्किन इन्फेक्शन को कम करने में हेल्प करते हैं। थर्ड, आम का सेवन करने से एनीमिया की प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। आम में आयरन हाई अमाउंट में होता है, इसी वजह से ये एनीमिया की प्रॉब्लम से रिलीफ दिलाने में हेल्पफुल है। फोर्थ, अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आपके लिए आम एक गॉड गिफ्ट है। आम में पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है जो आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में हेल्प करता है। फिफ्थ, आम बेशक किडनी प्रॉब्लम को बढ़ाता हो मगर किडनी स्टोन पेशेंट्स के लिए आम के पत्ते फायदेमंद होते हैं। आम की पत्तियों से किडनी के स्टोन की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, इससे किडनी भी हेल्दी रहती है। जिन्हें स्टोन प्रॉब्लम होती है और वो आम के पत्ते खाते हैं तो उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन प्रॉब्लम की दिक्कत नहीं आएगी। लास्टली, आप कच्चे आम का सेवन कर सकते हैं क्योंकि उसमें साइट्रिक एसिड होता है जो ऑक्सलेट को किडनी स्टोन बनने से रोकता है। अगर आप किडनी को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आम के साथ आप अपने आहार में सेब, ब्लूबेरीज और क्रैनबेरीज को शामिल कर सकते हैं। तो ये थी आम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। और एक बार फिर आपको बता दें कि आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप आम का सेवन किडनी प्रॉब्लम में ना करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी तो आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कीजिए, और ऐसी ही नई महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार किडनी की समस्या से यदि परेशान है तो आप कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र से इसका इलाज करवा सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क करने के लिए आप हमारे नंबर, ईमेल और केंद्र का पता डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।